हेलो दोस्तों, मैं मंटू और मेरे चैनल टेक्निकल मंटू में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर बताएंगे कि यहाँ पर सरकार के नया अपडेट आया है कि प्रॉपर्टी के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे आधार से लिंक होगी प्रॉपर्टी। दोस्तों यहाँ पर देश में पहली बार संपत्ति स्वामित्व का मॉडल कानून बनेगा, ड्राफ्ट तैयार कर जल्द कैबिनेट में आएगा। दोस्तों आपको पूरे डिटेल्स में यहाँ पर बताएंगे कैसे आपको आपका प्रॉपर्टी आधार से लिंक किया जाएगा। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, इसके लिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक बने रहे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर शुरू करते हैं। जमीन मकान या फ्लैट की खरीद फरोख्त में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए आसानी होगी। अचल संपत्ति के स्वामित्व के लिए अब उसे आधार से लिंक कराना होगा। केंद्र सरकार पहली बार संपत्ति स्वामित्व के लिए कानून ला रही है, ड्राफ्ट तैयार है। 5 सदस्यों की एक एक्सपर्ट कमेटी बन चुकी है जो राज्यों से समय करेगी। जमीन से जुड़े मामले राज्यों के अधिकार क्षेत्र में है, इसलिए केंद्र मॉडल कानून बनाकर राज्यों को देगा। 19 राज्यों में NDA की सरकार है, संभव है कि ज़्यादातर में कानून लागू हो जाएगा। नए मॉडल कानून के फायदे के बारे में वो सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। देखिए स्वामित्व की प्रक्रिया क्या होगी। देखिए रजिस्ट्रार ऑफिस में खसरा नंबर के आधार पर टाइटल जनरेट कराना होगा, इसे आधार से लिंक कराएं। देखिए अभी क्या व्यवस्था है, जमीन विवाद में खुद ही मालिकाना हक साबित करना पड़ता है, सिर्फ कागजात के आधार पर रजिस्ट्री होती है। खरीद बिक्री के समय दोनों पक्षों में क्या शर्तें तय हुई, सरकार अभी इसकी गारंटी नहीं लेती। आगे क्या व्यवस्था होगी, सरकार जमीन के स्वामित्व की गारंटी लेगी, रजिस्ट्री भी स्वामित्व स्थापित कराने के बाद होगी। सरकार खरीद बिक्री की शर्तें जांचेगी, संपत्ति पर किसी का कब्जा है तो उसे खाली कराना या मुआवजा देना सरकार की जिम्मेवारी होगी। जमीन का रिकॉर्ड अपडेट होगा, इससे कोई संपत्ति अगर आधी भी बेची जाती है तो रजिस्ट्री होते ही रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। बायोमेट्रिक से घर बैठे ही संपत्ति बेच सकेंगे, लेकिन रजिस्ट्री में 1 महीने का समय लगेगा। नया कानून लागू कैसे होगा, 2 तरीकों से। पहला इंक्रीमेंटल यानी बेचते समय या ट्रांसफ़र होते समय आधार लिंक होगा। दूसरा क्या है, जिलावार लागू कराया जा सकता है। संपत्ति मालिक को क्या फ़ायदा होगा, धोखाधड़ी की गुंजाइश नहीं बचेगी, अवैध कब्जों से सुरक्षा मिलेगी, लैंड टाइटल कराने पर आसानी से लोन मिलेगा, जमीन संबंधित कानूनी मदद के लिए सिग्नल विंडो होगी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र लेने वाले पहचाने जाएंगे, सरकार को कैसे फ़ायदा होगा। संपत्ति की सूचनाएं पारदर्शी होगी, मालिक और संपत्ति संबंधी सूचनाएं रियल टाइम अपडेट होगी, संपत्ति से जुड़े मुकदमे कम होंगे क्योंकि आधार से लिंक के बाद जांच आसान होगी। योजना या नीति बनाने के लिए सटीक आंकड़े उपलब्ध होंगे, सरकार का दखल भी हटेगा। इससे कुछ चुनौतियाँ भी है, सर्वे और बगैर सर्वे की जमीनों का रिकॉर्ड तैयार कराने में काफ़ी समय लग सकता है, अभी बिना विवाद वाली जमीन का ही टाइटल हो पाएगा, विवादित जमीन का नहीं। जमीन से जुड़े कुल 8 कानूनों में संशोधन कराना होगा, कई विभागों को एक अथॉरिटी के तहत लाकर इंस्ट्रक्चर तैयार करना होगा। सामुदायिक मालिकाना हक का टाइटल कैसे होगा यह अभी स्पष्ट नहीं है। आपकी प्रॉपर्टी से कब्जा हटाना या मुआवजा देना सरकार की जिम्मेवारी होगी, आधार लिंक नहीं कराया तो सरकार जिम्मेवारी नहीं लेगी। तो दोस्तों आपको पूरे यहाँ डिटेल्स में बता दिए कैसे कैसे फ़ायदा होगा, आपको क्या व्यवस्था है, कैसे व्यवस्था आगे चलेगा, कानून से क्या फ़ायदा होगा। तो दोस्तों आपको पूरे डिटेल्स में बता दिए, ये आपके लिए फ़ायदा होगा अगर आपका आधार अपने प्रॉपर्टी में लिंक करा देते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं ऐसा ही लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते रहता हूँ, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।